अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आप सब कैसे हो? आई होप सब सब ठीक हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस यहाँ पर मेरी बिटिया रानी सो रही है, 10:20 हो रहे हैं, बट इसकी सुबह अभी तक हुई नहीं है और मैंने भी इसको उठाया नहीं अभी, क्योंकि मुझे करना है वीडियो एडिट। और जो मुझे मैंने सोचा है कि दोपहर तक इंशाल्लाह ताला मैं अपलोड कर दूँगी तो आप तक वो पहुँच जाएगी। तो मैंने सोचा है कि ना मैं वीडियो एडिट कर लेती हूँ जितना हो सकता है, अगर पूरा हो जाएगा तो पूरा एडिट करके और अच्छे से उसको सेव कर दूँगी, अदरवाइज़ अगर ये हाफ में भी उठ गई तो मेरे दिल को तसल्ली रहेगी कि आधा एडिट तो हो चुका है। क्योंकि ये जब एक बार उठ जाती है ना तो ऐसे एकदम आराम से वैसे मोबाइल भी देखते रहती है, क्योंकि वो फ़ोन तो ख़राब हो चुका है तो देखते रहेगी कि मतलब मोबाइल दो, थोड़ा सा दो मोबाइल, थोड़ा सा देख के दे दूँगी, बहुत इरीटेट करती है। तो वही फिर मैंने सोचा चलो वीडियो एडिटिंग करने से पहले मैं ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ अपना। तो आज के दिन में थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और कल मैं स्कूल गई थी, अभी जो मैं वीडियो अपलोड करूँगी दोपहर में तो आप उसमें देखेंगे कि कल मैंने हुरैन की बुक्स चेक करने के लिए टीचर को देकर आई हूँ। तो अभी वो बुक लेने जाना है और 10 का टाइम था, 10:20 हो रहा है, ये रानी अभी सो रही है, तो ये कब उठेगी और मैं कब जाऊंगी इसकी बुक लेने, देखते हैं क्या होता है। बट मैं इसको उठाना नहीं, ये उठाने का रिस्क मैं नहीं ले सकती इसको, ये खुद से ही उठेगी तो ठीक है, उठाने वाला रिस्क मैं नहीं लूँगी, क्योंकि उतने टाइम में कुछ तो मेरी वीडियो एडिट हो जाएगी, देन थोड़ा सुकून रहेगा। क्योंकि एक बार उठ जाती है तो दिन में भी नहीं सोती है और पूरा, और सोने का टाइम भी नहीं है ना कि ये सो जाएगी, 2 तक इसकी क्लास चलती है, 2 के बाद ये होमवर्क लेके बैठती है, या होमवर्क नहीं तो थोड़ा सा खेल लेगी, फिर 3 होमवर्क लेके बैठेगी, 3:30 इतना आराम आराम से इसकी राइटिंग, मतलब इसकी स्पीड बहुत स्लो है, तो वो लिखते लिखते सब कुछ करते करते 4:15 बज जाता है, तो फिर मुझे इसको कुछ खिला पिला के रेडी करके ट्यूशन ले जाना पड़ता है, वहाँ से 8 आती है तो थोड़ा बहुत इसको टाइम मिलता है, ये खेल लेती, क्योंकि ये लेट नाइट तक सोती है, ये अपने डैडी का इंतज़ार करके, और मतलब मैं जब तक ये अपने डैडी को नहीं देखेगी तब तक ये नहीं सोएगी। और कभी अगर लक बाई चांसेस सो गई ना तो वो आएंगे ना तो उनकी आहट से ही उठ जाती है, वो एकदम खामोश रहेंगे, कुछ भी नहीं बोलेंगे, बस हमारी बात इशारों में होगी, मगर फिर भी ये उठ जाएगी, ये आहट से उठ जाती है। तो चलिए गाइस फटाफट फिर मैं वीडियो एडिट करके आप लोगों को सेंड करती हूँ यूट्यूब पर, आप लोग देख लेना, फिर उसके बाद आगे क्या देखते हैं। और हाँ, मैंने बताया ना आज का वीडियो थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आज स्कूल जाए या ना जाए वो तो पक्का नहीं है, क्योंकि टाइम पर डिपेंड होता है, टीचर ने कहा था कि 2 स्कूल में ताला लग जाता है, तो क्लास ख़त्म होने के बाद भी मैं नहीं जा सकती हूँ, और 12:30 से पहले अगर मेरे पास टाइम रहा कि मैं जाके रिटर्न आ सकती हूँ तो मैं जाऊँगी, नहीं तो मैं नहीं जाने वाली हूँ। देन आज हुरैन के स्कूल में ही वेजिटेबल एक्टिविटी है ना, कितनी एक्टिविटी होती है ना, बट क्या करेंगे भाई, इनके डैड को भी प्रॉब्लम नहीं है, बोलते नहीं नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कितनी भी एक्टिविटी होती है मैं करवाऊँगा। तो अभी अब मेरी वीडियो में जो मैं अपलोड करूँगी दोपहर में, उसमें आप देखोगे कि मैंने इसके लिए थोड़े बहुत वेजिटेबल्स लेकर आई हूँ, और अगर अभी भी मौका मिला ना तो और वेजिटेबल लेकर आऊँगी, भले वो मैं ना पकाती हूँ, क्योंकि मैं सारे वेजिटेबल खाती हूँ, बट हुरैन के डैडी और ये लोग थोड़ा नखरे वाले लोग, ये लोग सब कुछ नहीं खाते हैं। तो वीडियो ये वाली लंबी हो रही है, मैं चलती हूँ वीडियो एडिट करती हूँ, ठीक है, चलिए बाय। फिर गाइस हुरैन उठ गई और मैंने चश्मा लगा लिया, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ना सर में यहाँ पे इस एफ चालू हो रही है दर्द, तो मैंने लगा लिया चश्मा, और ये उठ गई है, ये रेडी हो चुकी है नाश्ता वाश्ता करके, सब एकदम ये रेडी है यूनिफॉर्म में। हुरैन सामने आओ, ये हुरैन एकदम रेडी हो चुकी है यूनिफॉर्म में, और बस 5-10 बाकी क्लास चालू होने में, हुरैन की ऑनलाइन क्लास अभी चालू हो जाएगी, और मैंने उसकी वेजिटेबल डे की एक्टिविटी की आधी तैयारी कर ली हूँ, सारे वेजिटेबल कलेक्ट करके मतलब मैंने उसको अच्छे से रख दिया प्लेट में, और अभी जो वाटर कलर है और स्केच कलर है वो मुझे अभी याद आया ड्राइंग बुक, तो फिर मैंने सोचा कि पहले मैं ये आपके साथ शेयर करती हूँ, फिर उसके बाद मैं वो चीज़ ढूंढती हूँ कि वो सब कुछ है घर में बट सिर्फ वाटर कलर भी है, बट वो किधर है वो देखना पड़ेगा वाटर कलर, इसके लिए मैंने कल ख़रीदा नहीं क्योंकि मेरे पास है ऑलरेडी वाटर कलर है, मैंने आपके साथ वो भी शेयर किया है। तो मैं आपको बैक कैमरे से ना ये वेजिटेबल्स दिखाती हूँ जो मैं अभी हुरैन के मतलब
सजा के मैंने रखा है। यहाँ पर उरेन रेडी है और मैं आपको उरेन की प्लेट दिखा देती हूँ एक बार, जो वेजिटेबल की प्लेट मैंने उसकी अरेंज करी है। तो यहाँ पर सबसे पहले लौकी है, फिर ये कॉलीफ्लावर है, कैबेज, ऑनियन, टोमेटो, कोरिएंडर, जिंजर, गार्लिक और थोड़ा सा करी लीव और सम्स ग्रीन चिली और टोमेटो। तो ये मैंने उरेन की प्लेट अरेंज कर ली है और उरेन यहाँ पर भी बिल्कुल रेडी है। उरेन अच्छे से बैठो, ऐसे बैठोगे? हाँ। ऐसे बैठोगे? हाँ। ठीक है, अच्छा जैसे नमाज पढ़ते हैं वैसे बैठते हैं। कौन बताया, टीचर? हाँ, वो स्कूल टीचर में, स्कूल में बताया। अच्छा हाँ। तो यहाँ पर उरेन की प्लेट रेडी है और मेरी उरेन भी रेडी है वेजिटेबल एक्टिविटी के लिए, वेजिटेबल सेलिब्रेशन या वेजिटेबल डे जो भी है। हाँ। फिर से बोलो एक बार, क्या किसको पसंद है? ये मेरे डैडी को पसंद है और ये मेरे को पसंद है। वो क्या है? आलू। आलू बहुत पसंद है। हाँ। मैं सोच रही हूँ ना काम हो जाएगा तो आलू फेंक दूँ। हाँ? आलू फेंक देती हूँ आज। नहीं। क्यों? क्योंकि आलू ना पसंद है। अच्छा ठीक है, रखो कपड़ा गंदा। इसकी क्लास ख़त्म हो गई है और खाना भी बना नहीं है। कल का थोड़ा सा चावल रखा हुआ है जो हम माँ बेटी खा लेंगे और मैंने दाल बनाई है कल का दिन के लिए। क्लास ख़त्म हो चुकी है तो अब मुझे कुछ बनाना है, मतलब भाजी बना लूँ। तो मैं सोच रही हूँ ना कि ये जो थोड़ी सी है फूल गोभी और एक ये छोटी सी पत्ता गोभी है और इसमें एक छोटा सा आलू रहने के लिए डाल के अभी के लिए सब्जी बना लेती हूँ। हाँ, जो इतनी हो जाएगी ना कि दोनों टाइम चल जाएगी। और ये जो लौकी है ये शाम में इंशाल्लाह मैं बना लूँगी कुरैन के डैडी के लिए, क्योंकि उनको लौकी बहुत पसंद है। तो इसको छिल के काट के और बनाने के बाद ये इतनी हो जाएगी कि ये अकेले मतलब आराम से पेट भर के खा लेंगे। हाँ, तो ये फ़ोन भी मांग रही है गाइस, तो मैंने सोचा थोड़ा सा वीडियो बना लेती हूँ फिर इसको फ़ोन देती हूँ, मैं फटाफट काम कर लेती हूँ। ठीक है, तो फिर फटाफट चलिए सब्जी बना लूँ क्योंकि भूख लगी है, क्योंकि अभी मैं उरेन की क्लास हुई ना उसके बाद ये वीडियो मैं वीडियो अपलोड करने लगी थी, जो वीडियो आपको मिल गई होगी अभी, आप वॉच कर लिए होंगे वो वीडियो। तो वो वीडियो मैं अपलोड कर रही थी तो अपलोडिंग में भी ना काफ़ी टाइम चला जाता है, मतलब 25 से 30 मिनट आराम से जाते हैं अपलोडिंग में, कम से कम उससे, अदरवाइज़ उससे ज़्यादा भी कभी कभी चला जाता है, नेटवर्क स्लो रहता है या वीडियो कभी थोड़ी लंबी रहती है तो उससे ज़्यादा भी टाइम चला जाता है। तो वीडियो अपलोड करी थी, अब जाके जा रही हूँ, भूख भी लगी है तो सबसे पहले भाजी बनाती हूँ, खाना खाती हूँ फिर आप। तो गाइज़ यहाँ पर मैंने कढ़ाई गरम करके उसमें तेल हीट कर लिया है और उसके बाद मैं लहसुन का जो बोलते हैं ना तड़का, वो क्योंकि मुझे लहसुन बहुत पसंद है, मोस्टली मैं ज़्यादातर तड़के में लहसुन ही यूज़ करती हूँ और इसका फ्लेवर और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आपने कभी यूज़ नहीं किया तो आप यूज़ करके देखिए। और यहाँ पर जो मेरा लहसुन हल्का सा ब्राउन हो जाएगा तो उसमें इसमें मैंने कैबेज, कॉलीफ्लावर और आलू ये मैंने ना कट करके ना थोड़ा सा नमक और हल्दी के पानी में ना मैंने इसको 10 मिनट रखा था, 5 मिनट 10 मिनट आपके टाइम के अकॉर्डिंग है, क्योंकि कभी कभी ना वो कॉलीफ्लावर में ऐसा होता है ना कि बारीक बारीक कीड़े होते हैं जो हमको दिखते नहीं, तो ये एंटीबायोटिक होता है हल्दी, तो उससे वो मर जाते हैं। तो यहाँ पर उरेन मुझसे लड़ रही है क्योंकि मैंने उसका थोड़ा सा छिला हुआ मटर ले लिया, तो वो कह रही है कि नहीं नहीं मटर वापस करो, मैं छिल रही हूँ बड़ी मेहनत से, फिर भी मैंने ले ही लिए, जब मैंने छिले हुए देखे तो मैंने सोचा लाओ इसको भी थोड़े से डाल देती हूँ तो थोड़ी सी कलरफुल भाजी हो जाएगी और देखने में भी अच्छी लगेगी, खाने में भी अच्छी लगेगी। यहाँ पर सब कुछ फ्राई हो गया तो गाइस मैं इसमें हल्दी पाउडर थोड़ा सा डाली हूँ और मैंने मटर तो लास्ट में अभी डाला है, और वैसे अदरवाइज़ मैं बनाती भी हूँ तो मटर में थोड़ा बाद में डालती हूँ ना तो वो फूटने लगते हैं ना, फूट फूट के पूरे उड़ जाते हैं और उसके बाद सिर्फ छिलका रह जाता है मटर का और फिर कभी कभी हार्ड भी हो जाते हैं।
तो इसके लिए मटर हमेशा बाद में ही डालिए। और उसके बाद यहाँ पर मेरा मोस्ट फेवरेट मसाला है टमाटर, हरी मिर्ची और हरी धनिया, भुजिया मसाला मेरा, और इसको मैंने डाल दिया है। इसमें मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है क्योंकि ये खुद अपना पानी छोड़ेगा और टमाटर अपना पानी छोड़ेगा, उसके बाद नमक भी थोड़ा पानी में वो पानी हो जाएगा तो ये अपने ही पानी में पक जाएगा, जिसे आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये पानी कितना छोड़ा है टमाटर। और मुझे टमाटर थोड़ा ज़्यादा पसंद है, तो मतलब मेरे उस टाइम पे जिस टाइम पे मैं सब्ज़ी बना रही हूँ या मैं कोई खाना बना रही हूँ तो मेरा वो टाइम पे क्या मन होता है, कम टमाटर खाना या ज़्यादा, तो उस हिसाब से मैं डालती हूँ। यहाँ पर फ्रिज मैंने खोला तो मुझे मैजिक मसाला दिखा, तो मैंने सोचा लाओ इसे भी डाल देते हैं और टेस्ट और इनहाइंस हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरी सब्ज़ी एक तरफ पक रही है और एक तरफ ये हुरैन बिचारी मेरी कितनी मदद करी, मेरी बेटी बड़ी हो गई है, काम करने लायक हो गई है। आज के सारे मटर हुरैन ने छिल के रख दिए, मतलब वो इतना शौक से छिल रही है ना, मैं उसको बार बार बोल रही हूँ कि बेटा रख दे मैं कर लूँगी, मगर वो शौक से कर रही है। तो अज़ान होने लगी थी इसके लिए मुझे स्टॉप करना पड़ा। तो मैं यही कह रही थी कि इतने शौक से हुरैन मटर छिल रही है कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो एक थोड़ा बिजी रहेगी, क्योंकि ये थोड़ा फ्री रहती है ना तो ये बस इसका एक ही रट रहता है कि मोबाइल दो मोबाइल दो। तो मुझे ये चीज़ थोड़ा समझ में आया कि थोड़ा इसको बिज़ी रखेंगे तो ये फ़ोन नहीं मांगेगी। यहाँ पर मेरी सब्ज़ी आप देख सकते हो गाइस, मैं फ्लैश चालू करने की कोशिश कर रही थी कि मैं और अच्छे से आपको दिखा सकूँ। तो ये आप देख सकते हैं ये मेरी सब्ज़ी की कलरफुल सब्ज़ी की ना एक्चुअल लुक है, और देखने में जितना यम्मी लग रहा है ना खाने में ये उससे ज़्यादा यम्मी था। और ट्राई करिए, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बना दो कुछ भी डाल के, जी नहीं, आप दिल से बनाओगे ना कोई सी भी रेसिपी, अगर वो कंबाइन नहीं होती और उसको आप दिल से कंबाइन करके बनाएंगे ना तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बनेगी, टेस्टी बनेगी। तो यहाँ पर ये मेरी सब्ज़ी भी एक तरफ बन रही है, एक तरफ फिर मैंने हुरैन को भी बैठा दिया कि बेटा तू होमवर्क कर ले बैठ के, क्योंकि आज बहुत लेट हो चुका है, 3:30-4:15 बज चुका है और अभी तक मतलब मेरा खाना ही बन रहा है। और मैंने चावल भी लगे हाथ बना लिया क्योंकि मैंने सोचा अब क्या ही बाद में बनाऊंगी, सिर्फ भाजी रहेगी वो देखेंगे, अगर इसके डैडी को चलने जैसा हुआ मेरी हिम्मत रही तो बना लूँगी, नहीं तो फिर देखेंगे। तो यहाँ पर मेरी भाजी जो है ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, आप देख सकते हो कितनी यम्मी लग रही है, अरे बहुत बहुत टेस्टी बनी थी भाजी मेरी। और उसके बाद जो मेरी बेटी ने ना मेहनत करके मटर छील के रखे हैं ना, वो मटर को मैं स्टोर कर रही हूँ। तो गाइस कभी आपके पास आपके एरिया में आपके बाज़ार में कभी जब मटर सस्ते हो जाए ना तो आप ऐसे ही छील के ना उसको फ्रीज़र में रख लेना, तो वो फ्रोज़न मटर हो जाएंगे, ये मेरी एडवाइस है आपके लिए। तो यहाँ पर मेरा खाना बन चुका है, हुरैन होमवर्क कर रही है तो मैंने सोचा चलो फटाफट झाड़ू लगाती हूँ और फिर हुरैन को खाना खिला के फिर बाकी का जो होमवर्क रहेगा वो मैं उसको करवा दूँगी, क्योंकि मुझे 5 बजे हर हाल में घर छोड़ना है, हुरैन को लेकर जाना, कभी कभी तो ऑटो भी नहीं मिलता है। अब मैं परेशान रहती हूँ कि ऑटो, मतलब कभी सोचती हूँ ना कि आज ऑटो मिल जाएगा तो उस दिन नहीं मिलता, और जिस दिन मैंने सोचा नहीं होता है ना तो बड़ी आसानी से मुझे ऑटो मिल जाता है। यहाँ पर हुरैन का 2 पेज कम्प्लीट हो चुका है और 3रा पेज हुरैन कर रही है। तो गाइज़ मेरी वीडियो जो है यहाँ पर बहुत लंबी हो चुकी है, तो इसके लिए मैं इसको यहीं पर एंड कर रही हूँ, अदरवाइज़ मेरा दिन नहीं ख़त्म हुआ है, इंशाल्लाह मैं कंटिन्यू करूँगी। तो आज की वीडियो में यही, अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, खुदा।